अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज सऊदी अरब में 15वां रोज़ा है, अफ्तार और डिनर की तैयारी चल रही है। स्पेगेटी के लिए चिकन का कीमा, गाजर, शिमला, ये सब काट के रखा जा चुका है। स्पेगेटी भी बॉयल हो चुकी है। जब स्पेगेटी बन जाएगी तो फिर जल्दी जल्दी बाकी चीज़ें भी तैयार कर ली जाएंगी। एक चूल्हे पर निहारी चढ़ी हुई है और दूसरी जगह पे चिकन में मसाला लगाकर उसको छोड़ दिया गया है मैरिनेट होने के लिए। बस टाइम पे उसको एयर फ्रायर में डाल देंगे और गरम गरम अफ्तार के टाइम पे उसे खाएंगे। बच्चे स्पेगेटी बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए स्पेगेटी भी बन गई ताकि बच्चे भी जो है वो आराम से पेट भरकर कुछ ना कुछ खा ही लें, वरना बच्चे तो खाते ही नहीं है। आप लोगों को स्पेगेटी कैसी लगती है और आप इसे किस तरह बनाते हैं मुझे बताइएगा। और आप लोगों में से किन किन लोगों की ईद की तैयारी हो गई है और किन किन लोगों की बाकी रह गई है, और अगर बाकी रह गई है तो क्या क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं। समोसे और रोल भी फ्राई हो चुके हैं, बर्गर भी बन चुका है। ये देखें स्पेगेटी भी हमारी तैयार हो चुकी है, और ये देखें ये बर्गर है। चिकन अभी एयर फ्रायर में पड़ी हुई है, इसलिए अभी दस्तरखान पे नहीं रखी है। बस अजान होगी और एयर फ्रायर में जब तक वह तैयार हो चुकी होगी फिर हम इसे दस्तरखान पर रख देंगे। ये अजवा खजूर है और टेस्ट में ये हल्की मीठी होती है। अफ्तार का टाइम होने वाला है, अब हम रोज़ा खोलेंगे। और आज हमने सोडा लस्सी बनाई है। अफ्तार का टाइम होने ही वाला है और बस अब हम रोज़ा खोलेंगे। रोज़ा खोलकर नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़कर अब हम चाय पी रहे हैं। मिलते हैं फिर कल। अल्लाह हाफिज़।